सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए हैं यामाहा शोरूम, यामाहा जो आपका यामाहा ब्लू स्क्वायर राजर हाट में जो प्रेजेंट है ना। आज यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं जो R15 V4 हमारे पास आया है। एंड ये भाई न्यू कलर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है 2024 में, कंप्लीट रॉयल रेड कलर है। एंड इसमें एज सच क्विक शिफ्टर वगैरह है नहीं, हालांकि उसका भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। और बाकी तो कंप्लीट आप कलर देख लो यार, बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है। ये जो वाइन रेड या रॉयल रेड आप कह लो, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इनफैक्ट फ्रंट से देखो और थोड़ा सा लाइट नहीं है, बट कैमरे पे कैसा आ रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके ग्राफिक वगैरह भी आप देखोगे तो प्रॉपर इस साइड आप देख लो, येलोइश एंड ऑरेंज टोन में एक आपको ग्राफिक वगैरह दिया गया। बाकी बात बाइक में क्या क्या चेंजेस है, तो कलर की चेंज हो गया एंड 2024 एडिशन हो गया, तो आज इसे कंप्लीट रिव्यू देंगे। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलो इसका रिव्यू एंड इसका कंप्लीट डिटेल्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। एक बार तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कि कितनों के पास R15 V4 है, एंड R15 V4 में पहले जो कलर आता था एंड जो अभी कलर इंट्रोड्यूस हुआ है, उन दोनों में से कौन सा कलर आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलो इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई, अगर इस बाइक के बारे में बात करें, आप लोगों को पता होगा R15 वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश लुकिंग या फिर मोस्ट गुड लुकिंग भी कह सकते हो इसका, कह सकते हो क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। इसके जो फ्रंट DRL वगैरह कंप्लीट आप प्रॉपर यहाँ पे देख लो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एंड बीच में एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह भी दिया हुआ है। पूरे ये जो फेस है आपका रॉयल रेड कंप्लीट आपको प्रॉब्लम दिख जाएगा यार, एंड थोड़ा सा मतलब डार्क टोन में आ रहा होगा। जब इस पर लाइट पड़ेगी तो यार बहुत तगड़ा शाइन करेगा। एंड मिरर्स वगैरह भी जैसे पुराने में मिलते थे वैसे ही मिल रहे हैं। कलर में बहुत तगड़ा इसका चेंज है। एंड कंप्लीट आपको वाइट वाइजर, उससे भी आप तो चेंज कर ही सकते हो। और ये जो DRLs वगैरह दिए हैं बहुत शार्प लुक लगते हैं, देखने में बड़ा खूबसूरत लगते हैं भाई, नो डाउट। तो चलो इसको अब चलो बंद करते हैं भाई। इसे आते हैं नीचे फोक्स पे, तो आपको USD फोक्स वगैरह ऑफर किया हुआ है। कंप्लीट आपका ब्लैक कलर में फोक है, फ्रंट फेंडर आपका रेड कलर में, एंड वाइब्रेक का कैलिपर्स वगैरह हो गया। डुअल चैनल EBS के साथ ये वाली मशीन आती है, तो EBS फ्रंट एंड रेयर दोनों में दिख जाएगा। टायर की बात करें तो MRF का टायर 100x80 का 17 इंचेस का अलॉय व्हील एंड अलॉय कंप्लीट आपको ब्लैक कलर में दिया हुआ है। थोड़े बहुत डायमेंशंस की अगर बात करें तो इसका जो फ्रंट फोक है वो आपको 37mm का, एंड डिस्क की साइज की बात करें 282mm का फ्रंट डिस्क एंड 220mm का आपका रेयर डिस्क प्लेट है। एंड रेयर डिस्क प्लेट में भी आप देखोगे तो ABS रिम वगैरह आपको प्रेजेंट किया हुआ है। फ्रंट डिस्क में तो प्रॉपर आपको विजिबल हो रहा है, लाइक आप देख लो EBS वगैरह प्रोवाइडेड, एंड डुअल चैनल EBS के साथ आती है ये वाली मशीन। बाकी अगर इंजन को बताएं तो अराउंड 155cc का इंजन है, लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC 4 वाल्व, 18.4 PS का पावर एंड 14.2 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है, विच इज़ बहुत ही अच्छा, मतलब कि समझ जो मार्केट में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। इनफैक्ट इसका जो क्लच वगैरह है, गियर शिफ्ट वगैरह है, इसमें तो क्विक शिफ्टर नहीं है, जो क्विक शिफ्टर वाला मॉडल है उसका शिफ्टिंग वगैरह बहुत तगड़ा होता है। एंड इसका क्लच भी आपको स्लिपर क्लच प्रोवाइडेड है, तो बड़ा लाइट क्लच है, और गियर शिफ्टिंग वगैरह भी बहुत ही मक्खन टाइप से होती है। तो बस एक मतलब कि समझ जो होता क्या है इस बाइक में प्रॉब्लम, वो आपके राइडिंग पोस्चर के रिगार्डेड है कि इसकी जो राइडिंग पोस्चर है वो प्रॉपर आपका ट्रैक रिडन है। आपको शोल्डर पे, पाम पे, एल्बो पे अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो ना तो थोड़ा सा तो पेन सहना पड़ेगा, विच इज़ द स्वीट पेन। बाकी तो आप इसका हैंडल देखोगे तो आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स वगैरह मिल जाएंगे। पास लाइट हो गया, हाई विंड लो विंड, राइट लेफ्ट इंडिकेटर, हॉर्न, किल स्विच, इग्निशन, ये आपका हजार्ड का स्विच, एंड यहाँ पे आप इन्फो एंड ट्रिप, तो मीटर में हमें कहीं पे बटन्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। और साथ साथ इसमें ब्लूटूथ भी कनेक्टिविटी है, तो कॉल, नोटिफिकेशन, मैसेज वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो मीटर स्टार्ट करके हम दिखाते हैं आपको प्रॉपर। अब देख लो स्ट्रीट एंड आपका मोड्स भी इस पर दिया हुआ है। ट्रैक हो गया, एवरेज, ट्रैक्शन, ट्रैक मोड है भाई, स्ट्रीट मोड एंड ट्रैक मोड आप इसे स्विच कर सकते हो, और सारे आपको इस बटन से करना है। बाकी आपको RPM मीटर वगैरह हो गया एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, VVA वगैरह सब कुछ इस बाइक में प्रेजेंट है। एक बार चलो, आई डोंट थिंक सो ये स्टार्ट होगा क्योंकि इसमें फ्यूल नहीं है। एक बार ट्राई करते हैं, नहीं स्टार्ट हो गए। खैर बाइक तो स्टार्ट हो नहीं रही। आते हैं इसके टैंक में, तो 11 लीटर्स का आपका टैंक कैपेसिटी है। इसका माइलेज अराउंड कंपनी क्लेम करती है 50+, एंड आप लोगों को कितना देता भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थोड़े बहुत और डायमेंशंस की बात करें तो अराउंड 815mm का सैटेलाइट, 170mm ग्राउंड क्लियरेंस एंड 142kg की ये वाली मशीन है। बाकी मैं आपको हजार्ड लाइट भी ऑन करके दिखा देता हूँ भाई, हजार्ड लाइट मैंने आपको दिखाया नहीं। देख लो भाई क्या लुक आ रहा है, मतलब
इस पे जो मॉडिफिकेशन होती है ना, खासकर इस वाले मॉडल में V3 पे, तो बहुत ही तगड़ा मॉडिफिकेशन होता है। लिटरली आप इसमें 10R वाले मिरर्स वगैरह लगा दो, वाइजर चेंज कर लो, एंड फिर एग्जॉस्ट तो लगाते ही बहुत कोई नहीं भी लगाते हैं। तो जिन्हें जिसकी जैसी चॉइस है भाई, वो तो मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग, हम लोग तो इसका रिव्यू कर रहे हैं। पैनल्स की बात करें तो पैनल कंप्लीट आपको रेड कलर और एक R15 का मार्क वर्जन 4, तो ये आपको येलोइश ऑरेंज में, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आपके जो इंडिकेटर्स हैं, तो बल्ब इंडिकेटर आपको प्रोवाइडेड है, बाकी यामाहा का आपको एक बैजिंग नीचे मिल जाएगा। अपोजिट साइड में भी सेम आपको सारे डिज़ाइन वगैरह सेम है, उधर घुस नहीं सकता भाई, थोड़ा सा जगह नहीं है। और टैंक में आप देखोगे तो टैंक में यामाहा का एक लोगो गया, बाकी फिन्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉपर आपका E20 का मार्क वगैरह। हालांकि आपको पता है E20 वगैरह इस बाइक में आ गई है। सीट बहुत ही, मतलब कि राइडर के लिए तो मैं बोलूँगा बहुत ही सही है। पिलियन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, कि पिलियन के लिए ऐसा सच पकड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इस वाले ऑप्शन को तो कहते हैं कि यहाँ पे पकड़ा जाए, बट यहाँ पे मत पकड़ना भाई, क्योंकि ये हाथ में भी आ सकता है। अगर गलती से भी हार्श ब्रेकिंग हुई है ना, आपका बैलेंस बिगड़ा पिलियन का, तो दिक्कत हो जाएगा। बाकी एनीवेज इनका जो लुक है ना, टेल का बहुत ही शार्प लुक है, जैसा आपको दिख रहा होगा भाई, बहुत ही शार्प है ना, एग्जाइल लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। एंड ये पोर्शन कंप्लीट जब हट जाता है ना, एंड ये हगर वगैरह कंप्लीट हट जाता है, तो बहुत ही तगड़ा लुक आता है। मोनोशॉक सस्पेंशन आपको रेड में प्रोवाइडेड है। एग्जॉस्ट कंप्लीट आप यहाँ पे देख लो, ब्लैक कलर में दिया हुआ है, इस पोर्शन से सिर्फ ये सिल्वर में। टायर्स की बात करें रेयर का, तो MRF का रेयर का टायर 140/70 का 17 इंचेस का एलॉय व्हील। एंड को एक अपोजिट साइड से भी दिखाते हैं केज वगैरह, तो प्रॉपर आप साड़ी केज वगैरह यहाँ पे देख लो, अगर कोई लेडी वगैरह बैठती हैं तो उनके लिए ये प्रोटेक्ट करेगा। और फुटपैक्स वगैरह, रेयर के फुटपैक तो लॉक हो जाते हैं, फ्रंट के आपके उस पर फ्लेक्सिबल है, ये लॉक नहीं होंगे। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर वगैरह भी इस पर दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट 155cc में बेस्ट मशीन है ये वाली, अगर आप लोग को परचेस करना है। बेस्ट इसलिए क्योंकि भाई लुक्स के मामले में 10/10, एंड जितने फीचर्स इसमें दिए हुए हैं ना, ट्रैक रोड एंड ट्रैक एंड स्ट्रीट मोड जो दिया हुआ है, साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दिया हुआ है, और जो माइलेज हमें मिलता है वो भाई उसके मामले में मैं बोलूँगा बहुत ही तगड़ी मशीन है। अगर आप लोग अपना बाइकिंग स्टार्ट कर रहे हो तो नो डाउट भाई, इससे अच्छा चॉइस कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक तो बाइक बहुत ही लाइट है, ऊपर से इस पर अगर आप थोड़े पैसे और देते हो तो कोई शिफ्टर भी आप लगा सकते हो, हालांकि इसमें लगा नहीं है, कोई शिफ्टर वाला मॉडल भी आता है। उसके बाद आप जो डिज़ाइन है ना इसका, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है मेरे को। तो डिज़ाइन के मामले में तो मैं भाई एक ही चीज़ बोलूँगा, 10/10। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। अब चलो इसका प्राइस वगैरह पूछते हैं, क्या प्राइस पड़ रहा है। सो भाई देखो, भी लाइट्स वगैरह ऑन हुआ है, तो इसका कलर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस है इस वाले शोरूम पे, एंड मतलब समझो इस वाले कोलकाता के शोरूम से अगर आप लोग लेते हो, तो आपको प्राइस पड़ेगा 223,300 रुपये। बाकी तो आपके नियर बाय शोरूम भी आप जा सकते हो। एंड अगर आप लोग राजरहाट में रहते हो तो भाई यहाँ पे आओ, कोलकाता यामाहा ब्लू स्क्वायर। एंड इनका कंप्लीट एड्रेस वगैरह दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। बाकी बात ये, एक बार कलर देख रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल सामने से दिखाता हूँ जस्ट एज अ वॉक अराउंड। इसका जो लाइट्स पड़ रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं भाई, बहुत ही तगड़े लग रहे हैं। जो इस पर लाइट पड़ रहा है, जो इसका कलर निखर के आ रहा है भाई। चलो अब हम लोग वीडियो करेंगे एंड, होपफुली आपको इस वाले कलर का मतलब कि एक रिव्यू जो है वो आपको पसंद आया होगा। बेसिकली जो पहले रेड कलर आता था उससे थोड़ा सा मेरे को ये बेटर लग रहा है। पहला रेड कलर थोड़ा सा लाइट में था, ये जो रॉयल रेड है ना, बहुत ही सही लग रहा है। बाकी हम लोग वीडियो करेंगे एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ट राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय। एंड चलो बाय बाय।